देख सकते हैं गाइज, आप मैंने बिल्कुल ही यहाँ से खराब कर दिया अपना कैमरा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्री व्लॉग चैनल। कैसे हैं गाइज आप सब? होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ एंड अभी सीढ़ियाँ उतर रही हूँ। ये करसोग है, मैं करसोग पे आई हूँ अभी, ठीक है। आज मेरा पेपर था, मॉर्निंग पे वो दिया एंड नाउ मेरे ना अपने फ़ोन का कैमरा ठीक करने को है। कैमरा ठीक है मतलब कि मेरे फ़ोन का गिलास टूट गया, मैंने ही फाड़ा है वो, ठीक है। तो उसको ठीक करने जा रही हूँ और एक जगह मैं नीचे से पूछ के भी आई बट वहाँ पे ना ही कैमरे का गिलास था, तो उन्होंने बोला कि केयर सेंटर भेजो, ऑर्डर करना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। तो एक दो अभी और शॉप बस गई है जहाँ पे फ़ोन मोबाइल रिपेयर होते हैं, तो अभी मैं वहाँ को ही जा रही हूँ। और मैंने ना अपना फ़ोन सच्ची में टोटली बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मिरर दिख गया मुझे, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं गाइज, आप मैंने बिल्कुल ही यहाँ से खराब कर दिया अपना कैमरा। तो अभी तो मैं फटाफट से शॉप जाती हूँ मोबाइल रिपेयर की, यहाँ ऊपर जैसे एक है वहाँ पे पता करके आती हूँ। नीचे से तो मैं पता करके आ ही गई हूँ और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ रही हैं। अब यहाँ पे ना ये भी बाजार है और यहाँ पे मुझे बहुत ही डर लगती है बिकॉज गाड़ियाँ आती जाती रही, तो मेरे से रोड भी क्रॉस नहीं होता है, सच्ची बात बताओ। और काफी सारे मतलब कि अगर मेरे कैमरे को देखेंगे ना तो मुझे तो यही लगेगा कि जो सोचेंगे ना मतलब मैं इतने घटिया कैमरे से शूट कर रही हूँ, फोन से मैं क्या करूँ इसमें यार, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के फाड़ दिया ना सब करके। गाइस अभी बैठू मैं यहाँ पे कराऊंगी अपने फोन में गिलास डलवाऊंगी। ये जो है ना ये था, यहाँ पे मैंने गच्चा खाई थी तो उसका, ये पता नहीं कौन सी गैलेक्सी है, सैमसंग, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं आता। बट यहाँ पे मैं अभी वेट कर रही हूँ, वो मेरे कैमरे का ग्लास ला रहे हैं तो अभी तो उनका वेट करती हूँ, फिर मेरे कैमरा एकदम ठीक हो जाएगा और आपको अब खराब भी नहीं दिखेगा, मतलब अच्छा दिखेगा। फाइनली गाइज मेरा कैमरा तो लग चुका है एकदम डन, ओके। एंड अभी जा रही हूँ मैं बस स्टैंड बिकॉज मुझे लेनी है घर के लिए बस। एंड अब मेरा कैमरा ठीक है, अब मैं अच्छे से व्लॉग बना पाऊंगी, ठीक है गाइज। अभी मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं बैंक, हमारे थोड़ा सा बैंक में काम है, पता नहीं मेरी सिस्टर है मेरे तो नहीं है ना, बट हमारा बैंक एक ही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी बैंक के अंदर जाते हैं, पता नहीं क्या काम है वो करके आते हैं। दहन हो गया, गाइस फाइनली मेरी बहन ने कर दिए हैं अपने पैसे जमा बैंक में, बहुत ही सेट है यार, कसम से मैं उड़ाने वाली, ये जमा करने वाली, वाह कैसी बहन है, कितनी यूनिक है। आ जाएगा, आ जाएगा तुझे मैसेज, अब हमारी बस लग चुकी है प्रेरणा, मैंने सीट भी रख लिया गाइस उसमें, तो फटाफट से यार अंजू तो अभी ना फटाफट से हम जाते हैं। और आज बहुत ही भीड़ है गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ये हमारी बस प्रेरणा गाइस, आज बैठी हूँ मैं सबसे लास्ट सीट पे एंड यू कल प्राइवेट ही है, ओ सॉरी आप की सीट इधर यहाँ पे, सॉरी सॉरी यहाँ पे और सीट है। अभी पहुंच चुके हैं हम घर, मेरी बहन वेट कर रही है उधर बिकॉज चाबी थी दादी के पास, अंजू ताला लगा के आई है, मम्मी है नहीं घर पे तो अंजू को चाबी देने जा रही हूँ फटाफट। मैं तो दादी के यहाँ होती हूँ ना, मामा के यहाँ, तब मैं तो चेंज वेंज करके भी आ गई घर की ड्रेस भाई, अब अंजू को चाबी देती हूँ फटाफट जाती हूँ, कब से कॉल करी जा रही है। मेरा चार्जर है मैंने लाया, फोन पे चार्जिंग नहीं है और भूख आई है जबरदस्त, खाने के लिए पता नहीं क्या बनाया होगा गाइस, मुझे नहीं है पता, आई रियली डोंट नो, बट देखते हैं क्या बनाया है। भाग प्रिया भाग भाग भाग। हेलो 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 ब्रानू ब्रानू ब्रानू, ओए ओए बाय, सो जा मेरी बहन ने गाइस दरवाजा खोल दिया है, लॉक खोल दिया है, अब जाऊंगी मैं अभी अंदर, रेस्ट कर लूंगी, पहले तो सो रही है, सो ही जाऊं, नींद आ रही बहुत ही,
बट अभी सो नहीं सकते ना, यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा आपको। फाइनली वो जी मैं यार मेरी मम्मी का रूम यार। चलो ठीक है गाइज, अभी मैं खाने वगैरह का देख लेती हूँ क्या बना है, फिर मिलते हैं आपसे आराम से शाम के टाइम। और अभी फोन भी चार्ज कर लेती हूँ, फोन भी चार्जिंग नहीं है। 5 minutes later गाइज ये लगी मैं चाय बनाने, ये डाला मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी एंड गाइस अभी जा रहे हैं मैं और मेरी बहन, हम जा रहे हैं नानी के घर, हमारे घर के पास जैसी है 5 मिनट की दूरी पे, तो वहाँ जा रहे हैं हम। और ये अंजू को भाई इसकी फ्रेंड का फोन आया, मेरे को किसी का फोन नहीं आता। इसकी फ्रेंड मतलब इसकी फ्रेंड है दिया, वो इसको कॉल करती रहती है। मेरी फ्रेंड तो कभी कभार मैं अगर कॉल करूँ तब मेरी फ्रेंड नहीं नहीं ऐसे कर देती है, बट बहुत ही कम, जब रेयर होते हैं हम बोर होते हैं तब करते हैं कॉल। मैं और मेरी जिगरी यारी, मेरा जिगरी यारी मतलब मेरी जिगरी जो यार है वो। गाइज आज ना मैं आपको एक अच्छे प्यारे से डॉगी से मिलाऊंगी, वहाँ पे मैं इसीलिए जा रही हूँ मैं रंजू, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा प्यारा प्यार प्यारा डॉगी है, तो छोटा जैसे वैसे मेरे घर पे भी बहुत है, ब्राउनू है, क्या क्या नहीं है, शेरू है, एक और छोटा सा है, बिल्लू है, बहुत सारे हैं, बट वो बहुत ही प्यारा है जो ऊपर मैं नहीं गई हूँ वहाँ पे ना, इसीलिए देखो इनकी बातें तो बहुत लंबी चलती रहेंगी। ठीक है तो ऊपर जाके आपको दिखाएंगे नानू के घर। 5 minutes later गाइस पूरे घर में कहीं डॉगी नहीं मिल रहा, डॉगी नहीं मिल रहा, डॉगी पता नहीं कहाँ डाला यार उन्होंने, अब कहाँ जाए, ओ नो। और के चलो तेरा सुनिया गाइस, यहाँ पे कोई डॉगी वॉगी नहीं है, हमारा आना हो गया फ्लॉफ, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बट बहुत ही प्यारा डॉगी लाया था नीतू चाचू ने। अब क्या अंजू हो रही है, चल यार अब तो जाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे देखो यार, यहाँ देखो उसकी चेन, ये देखो उसकी चेन बांध होता था पर आज नहीं है वो, यहाँ पता नहीं कहाँ है, ये शीशा दिख रही है। इसका नाम है गाइस मैना, हेलो मैना, ये मैना वो डॉगी पता नहीं कहाँ होना यार। गाइज पूरा घर छान मारा पर डॉगी कहीं नहीं मिला, इसीलिए अब चलते हैं अपने घर ही, टाटा बाय बाय नानी के घर को, ये नानी का घर ठीक है, इसलिए टाटा बाय बाय नानी के घर को, यहाँ पे कोई नहीं मिला हमें। मैं भी आ गई थी यार डॉगी से मिलने, और ये यार मेरी बहन फोन पे मेरे साथ बात ही नहीं करती है, तो अभी तो गाइज घर की ओर जाते हैं फटाफट से एंड अब मैं करूंगी रेस्ट, सच्ची में थक गई यार इतनी भाग दौड़ करके, बस यही खाना खाया फिर ऊपर आ गई देखने दे उस डॉगी को, बट वो मिला नहीं और मैं थक गई एंड अब मैं करूंगी रेस्ट, टेन शाम के टाइम मिलूंगी या इसके बाद मैं ब्लॉग ही नहीं शूट करूंगी क्योंकि काफी हो चुका है। और सच्ची इस ब्लॉग में था ही क्या, कर सोगे, और यहाँ पे डॉगी नहीं मिला ये था। और बाकी अभी मैं और मेरी बहन जा रहे हैं घर फिलहाल, तो घर में अगर कुछ हुआ दिखाने के लिए तो दिखाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल मतलब कुछ नहीं हो तो नहीं दिखाएंगे। बाकी ये ब्लॉग ऑलमोस्ट हो ही चुका है 8-10 मिनट का, ठीक है बाय बाय गाइज़।